नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आज की हमारी वीडियो मेष राशि और मेष लगन वाले जातकों के लिए है। मेष राशि फल दिसंबर 2024 की दो बड़ी घटनाएं, दो मुख्य केंद्र बिंदु इस महीने के किस प्रकार से मेष राशि वालों को चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, उनका आमना सामना करना पड़ेगा और बचाव की योजना पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी। और चूंकि तीन बड़े ग्रह आपके पक्ष में हैं, पूरी तरह पक्ष में है, तो भारी धन लाभ और अपनी व्यापारिक योजनाओं को विस्तार देने का भी बेहतरीन टाइम रहेगा। बृहस्पति पूरी तरह आपके पक्ष में है, प्राप्नोति द्रविणम द्वितीय भाव में धन प्रदाता हैं। बृहस्पति के साथ साथ केतु और शनि सौख्यान्येकादशस्थो 11वें शनि आपके पक्ष में है। कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। देर किए बिना सीधे मैं आपको बताता हूँ वह कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी, जिनका आमना सामना आपको करना पड़ेगा। नंबर एक, 15 दिसंबर तक अष्टम भाव में सूर्य रुकस्रावष्टमस्त कलयति कलहम राजभीतिम चतापम। आपके साथ कोई मुकदमा है, कोई तनाव है, किसी के साथ पुलिस थाने का कोई केस है, तो बिल्कुल शांत होकर के योजना बनाए और चुपचाप यह टाइम निकाल ले। राजभीतिम चतापम, अष्टम सूर्य जो कि सूर्य राजा हैं, राजकार्यों के कारक हैं, राजकार्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके अष्टम भाव में हैं, बहुत ही खराब स्थान में है, तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना इधर से आपको टेंशन के योग हैं 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद सूर्य आ जाएंगे आपके 9वें स्थान में। आप दैन्यम तपसि विरहम चित्त चेष्टा निरोधम, किसी अपने प्रियजन के दूर जाने के कारण चित्त में वेदना, मन में परेशानी, आंतरिक रूप से दुखित हो जाना और उसका दुष्प्रभाव व्यक्ति के कार्यों पर पड़ना, ये चीज़ें आपको इनका आमना सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो पूरी तरह से तैयार रहें इसके लिए। दूसरा, चौथे स्थान में जो आपके मंगल बैठे हैं, चतुर्थ भाव में मंगल जो है ये बहुत बढ़िया रिजल्ट तो नहीं करते। स्थानम भ्रमसम रुज मुद्रजाम बंधु दुखम चतुर्थे, यहाँ भी अपने बंधुओं के कारण कलह की स्थिति बनती है। तीसरा, 12वें स्थान में राहु जो पूरा महीना ज्यों के त्यों रहने वाले हैं, बिना मतलब के खर्च अपव्यय की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो कुल मिलाकर के जो बड़े ग्रह आपके विपरीत हैं उनसे आपको आंतरिक कमजोरी, दीनता और कलह का वातावरण सूर्य और मंगल दोनों से बन रहा है। पारिवारिक कलह से पूरी तरह बचें, व्यापारिक स्थल पर व्यापारिक सहयोगियों के साथ कलह से बचें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी किसी प्रकार का तनाव हो, टेंशन हो, इससे आपको पूरे दिसंबर मास में अपना बचाव करना है। अब पॉजिटिव जो पॉइंट है उनकी सीधी सीधी बात करता हूँ। दूसरे, बृहस्पति पूरा महीना रहेंगे, प्राप्नोति द्रविणम, धन प्राप्ति का योग बना रहेगा। छठे स्थान में केतु शत्रुओं पर, बीमारी पर, ऋण रोग और शत्रु यानी कि कर्ज उतरने का भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये आपके पक्ष में है दोनों ग्रह। इस बात कर लेते हैं इस महीने के सकारात्मक पक्ष की। पूरा महीना देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर वाणी के द्वारा, व्यवहार कुशलता के द्वारा धन प्रदान का योग बनाएंगे। अष्टम में बुध भी आपके पूरी तरह पक्ष में है, 2, 4, 6, 8 और 11वें स्थान में बुध शुभ होते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का वचन है।
छठवे केतुर एकादश भाव में शनि सौख्यान्येकादशस्थो बहुविधि विभव प्राप्ति मुत्कृष्ट कीर्तिम। जब ग्यारहवें शनि होते हैं तो अनेक प्रकार का वैभव, अनेक प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, खुशियां होती हैं, आंतरिक शक्ति होती है और मन को तसल्ली होती है, शास्त्र कहता है। तो पूरा महीना आपको आंतरिक पारिवारिक कलह और अपनी टीम से कोई आकस्मिक रूप से तनाव ना हो जाए, इससे बचाव रखना है। अपव्यय बिना मतलब के खर्चों पर लगाम रखनी है। बाकी टोटली ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। उपाय के लिए इस महीने में विशेष रूप से रविवार और मंगलवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक आपको मीठा यानी कि गुड़ का दान करना है, या मीठा चूरमा बनाकर भी जरूरतमंदों को करा सकते हो, जलक प्रवाह कर सकते हो। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।